कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने अर्श डाला के दो करीबी गुर्गों को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के अनुसार अर्श डाला के दोनों गुर्गे दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से हथियार और कई अन्य सामग्री बरामद किए हैं। स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस टीम के एसीपी और इंस्पेक्टर निशान दहिया की टीम को जानकारी मिली थी कि अर्श डाला के दो करीबी प्रगति मैदान के पास से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया। पुलिस को देखते ही दोनों गैंगस्टरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस टीम पर हैंड ग्रेनेड निकाल कर फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल की टीम ने गोली चलाई और आरोपियों को धर दबोचा। दोनों आरोपियों की पहचान कृष्णा और वेंदर के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस को हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल और 5 कारतूस मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों दिल्ली और पंजाब में किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। बता दें कि इसी साल जनवरी 2023 में अर्श डाला ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक अर्श डाला के इशारे पर हाल में इन्होंने कांग्रेस नेता की हत्या उनके घर में घुसकर की थी। इसके बाद से दोनों पंजाब और राजस्थान में छिपे हुए थे और फिर दिल्ली में अपना बेस तैयार करने की फिराक में थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। चलिए अब जान लेते हैं कौन है अर्श डाला, जिसके इशारे पर ये दोनों बड़ा हमला करने की फिराक में थे। अर्श डाला पहले पंजाब का गैंगस्टर हुआ करता था। उस पर हत्या, लूट, किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। इसके बाद वो भारत से कनाडा फरार हो गया। कनाडा से ही अपना नेटवर्क चलाता है। वहीं से वो टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग समेत कई कार्य करता है। पंजाब के लोगों में दहशत फैलाने का काम भी करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अर्श डाला का संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर से भी है। ये पाकिस्तान के जरिए देश में हथियार की तस्करी करवाता है। बताया जाता है कि इसके गैंग में करीब 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। पंजाब के लड़कों को बहला फुसला कर ये अपने गैंग का हिस्सा बनाता है।